नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर का लिखा निबंध, विवाह की मुसीबतें। एक लड़की से प्रेम क्रिकेट गार्ड ने भी किया था, किंतु उसे विवाह करना उन्होंने यह कहकर टाल दिया था कि लड़की से उम्र में मैं बहुत बड़ा हूँ। गरचे बात ऐसी नहीं थी, फिर शादी उन्होंने कभी की ही नहीं। और जब उस लड़की का ब्याह हुआ, क्रिकेट गार्ड ने अपनी डायरी में यह शब्द लिखे, और अब वह मुर्दा नहीं, सुख संपन्नतापूर्वक विवाहिता है। क्या यह सच है कि सुख संपन्नतापूर्वक विवाहिता नारी भी जीवित नहीं रहती, वे सांस लेने वाला शव बन जाती है। हम लोग अपनी पत्नियों के सिवा उन अनेक विवाहितों को जानते हैं जिनसे हमारी भेंट मुलाकात होती है, अथवा जिनके चढ़ते उतरते मिजाज की कहानियां हमारे कानों में पड़ा करती है। इस सारी जानकारी से ये मजे में कहा जा सकता है कि समाज की आधे से अधिक पत्नियां दुखी हैं, खीजी हुई हैं, विवश है, लाचार है, और जिन्हें हम अपेक्षा सुखी और शांत समझते हैं उनमें से कुछ देवियां तो वे हैं जिन्होंने जीवन के जहर को गुमसुम ही पीकर बाहर से अपने होठ पोंछ लिए हैं। और वे कुछ वे हैं जो वेदना को वेदना नहीं समझती, शायद इसीलिए कि परंपरा ने उन्हें यही सिखाया है, शायद इसलिए कि उनकी अनुभूतियों के वातायन अभी बंद हैं, अथवा दर्द की टीस महसूस करने वाली शिराएं अभी जागी नहीं हैं। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनका दाम्पत्य जीवन इसलिए सुशांत है कि वे दोनों प्राणी समझदार हैं और उदारतापूर्वक उन्होंने एक दूसरे को उतनी छूट दे रखी है जितनी छूट से एक और जहां रथ के भीतर बाहरी वायु की कुछ थोड़ी फुरेरी आती रहती है, वहां दूसरी ओर चक्कों की गति में अनुपात का भेद नहीं पड़ता, न रथ के आगे बढ़ने में कोई व्यघात उत्पन्न होता है। खलील जिब्रान ने विवाह पर दो एक सुक्तियां कही हैं जो अत्यंत अर्थपूर्ण हैं। एक शराब पियो मगर एक ही प्याले से मत पियो, दोनों पास पास रहो मगर इतनी दूरी तब भी रहने दो कि तुम दोनों के बीच स्वर्ग की वायु आसानी से आ जा सके। जिब्रान ने बात तो बहुत सोच समझ कर कही होगी, लेकिन परंपरा इन सुक्तियों से बिदकती है और पति इन सुक्तियों से प्रसन्न इसलिए होते हैं कि ये उनकी अपनी आजादी की दलीलें हैं, उनके पार्टनर की स्वाधीनता का समर्थन नहीं। और पत्नियां भी चाहती हैं कि इन सुक्तियों का सहारा हम ले तो लें, हमारे पतियों को नहीं लेना चाहिए, किंतु ये चल नहीं सकता क्योंकि पुरुष और स्त्री प्रकृति की जिस प्रेरणा के अधीन है वे नर नारी का भेद नहीं मानती। समाज बार बार प्रकृति को बांधकर मनचाहे नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, किंतु प्रकृति हर बार बंधन को तोड़कर समाज के ऊपर छा जाती है। फिर भी ये सच है कि संस्कृति और नैतिकता का विकास प्रकृति के साथ चलने वाले इन्हीं संघर्षों से होता है। किंतु यह भी क्या सच है कि विवाह से जितनी मुसीबतें पैदा होती हैं उन सब का एकमात्र कारण काम है। काम विज्ञान पर खोज करने वाले पंडितों ने बताया है कि जहां पत्नी पत्नी काम के धरातल पर संतुष्ट हैं, वहां कलह होने पर भी बातें विवाह विच्छेद तक कम पहुंचती हैं। किंतु प्रमाण इस बात के भी हैं कि काम के धरातल पर संतुष्ट रहने वाली पत्नियों के जीवन में भी अशांति का अभाव नहीं होता, खीज परेशानी और घुलन की कमी नहीं होती। यदि वैवाहिक अशांति का कारण काम लिप्सा अथवा काम जनित कोई अन्य मनोविकार हो तो समझना चाहिए कि ये अशांति वहां कम होगी जहां लोग अशिक्षित, अजागृत और दरिद्र हैं। जिनके हाथों में कोई ठोस काम है उसके मन को निरुद्देश्य भटकने की फुर्सत नहीं होती। जिसका मन अजागृत है वह भी दुखों को अतिरंजित करके नहीं देखता, न सुखों में काल्पनिक रंग भरकर बेचैन होता है। विवाहिक कठिनाइयों की भीषणता असल में वहां सबसे अधिक होती है जहां शिक्षा, संस्कृति, चिंतन
और एक हद तक धन का प्राचुर्य है। जिन देवियों को भाग्य ने इस ऊंचे धरातल पर आसीन किया है, वैवाहिक व्यथा का दुखदायी दंश सबसे अधिक वे ही जानती हैं। सभ्यता जब सीमित थी, विवाह आज की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय और संतोषपूर्ण थे। सभ्यता जो जो प्रगति करती गई, पत्नियां अपनी कठिनाइयों से अधिकाधिक अवगत होती गईं, और शिक्षा का आलोक एवं चिंतन की शक्ति जो जो विस्तृत होती है, विवाह की असफलताओं की कहानियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं। गांधर्व विवाह स्पष्ट ही प्रेम की प्रेरणा से किए जाते हैं। अन्य प्रकार के विवाहों से भी ये आशा तो की ही जाती है कि पति और पत्नी में परस्पर प्रेम होगा, किंतु मनुष्यता का अभाव यह है कि प्रेम और विवाह इनमें नित्य संबंध नहीं है। प्रेम स्वतः सफुर्त भावना है और विवाह एक निश्चय, एक कठोर कर्तव्य। इसीलिए प्रेमी भी पति बन जाने के बाद प्रेमिका सा बर्ताव नहीं करता, न प्रेमिका पत्नी बन जाने पर प्रेमिका रह जाती है। अमेरिका में अब इस प्रश्न पर विपुल साहित्य तैयार किया जाने लगा है कि प्रेम और विवाह की एकता कैसे कायम रखी जाए। उन्नत देशों में कुछ लोगों ने पति पत्नी को परामर्श देते रहने का धंधा ही निकाल लिया है। पत्नियों को कामानंद की प्राप्ति कैसे कराई जाए, डॉक्टर अब पतियों को इसके भी तरीके सिखाने लगे हैं। यह सभ्यता स्थूल को अधिक, सूक्ष्म को कुछ कम महत्व देती है। इसकी शल्य चिकित्सा का विकास खूब हो गया, किंतु काय चिकित्सा की तरक्की कम हुई है, क्योंकि उसका संबंध सूक्ष्म से पड़ता है। विवाह के मामले में भी विशेषज्ञ स्थूल की संभाल में लग गए हैं। वस्तुतः समस्या इतनी स्थूल, इतनी सुस्पष्ट नहीं है। विवाह की उलझने केवल काम कला के विकास से नहीं, समाज में आमूल परिवर्तन लाने से सुलझेंगी, या संभव है विवाह की गुत्थियां कभी सुलझे ही नहीं। समाज रचना का दोष यह है कि उसमें निर्माण के सारे काम पुरुषों के हाथ में हैं। नारियों को हमने बर्तन धोने, झाड़ू लगाने, रसोई बनाने और घर को सवार कर रखने के काम पर छोड़ दिया है। वैसे एक काम बड़ा और दूसरा बहुत छोटा नहीं होता, फिर भी काम काम में भेद है। पुरुष के कार्य प्राय ऐसे होते हैं जिनमें विविधता होती है, जो कर्मी के पूरे ध्यान को अपने में खींच सकते हैं और जिनके संपादन में रचना का भी कुछ आनंद होता है। यही कारण है कि कर्म क्षेत्र में खड़े पुरुष का मन इधर उधर नहीं भटकता, ना वे एक रास्ता की मार सहता है, किंतु उसके विपरीत नारियां जो काम करती हैं उनमें रचना का आनंद नहीं होता। ना वे नारियों के मन को खींचकर अपने में लीन कर सकते हैं। बर्तन धोना, रसोई पकाना, बच्चों को स्कूल भेजना और घर की सफाई करना, ये सारे के सारे काम ऐसे हैं जिनमें नवीनता नहीं होती, जिनका संबंध विश्व के गतिशील जीवन से नहीं पड़ता, जो भविष्य से असंबद्ध होते हैं। पुरुष का अंतर मन कहीं ना कहीं इस भाव से संतोष पाता है कि वे संसार को पहले से अधिक श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है। वे जो काम कर रहा है उसका विश्व जीवन से महत्वपूर्ण संबंध है। किंतु घर में बैठकर नारियां जो काम करती हैं, वे जरूरी होने पर भी नगण्य हैं, और उनके महत्व की समाज में चर्चा ही नहीं होती। विश्व को श्रेष्ठ तर बनाने वाले कार्यों से वंचित होने के कारण नारी अपने को अधम और पुरुष को श्रेष्ठ समझती है। रोज रोज एक ही काम में लगे रहने के कारण उसकी प्रेरणा समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे उसके भीतर कुंठाएं उत्पन्न होने लगती है। किंतु मानसिक दृष्टि से इससे भी बुरा हाल उन नारियों का होता है जो बर्तन भी नहीं धोती, न घर की सफाई और रसोई घर का काम करती हैं। ऐसी पत्नियों की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि जब उनके पति दफ्तर और बच्चे स्कूल जाते हैं, तब समय उन्हें काटने को दौड़ता है। कहते हैं उन्नत देशों में अब ये विज्ञापन भी निकलने लगे हैं कि समय काटने के लिए हमें साथी की आवश्यकता है। 2 घंटे का साथी, 1 घंटे का साथी, आधे दिन का साथी, और घर पर आसपास बैठकर भी दंपति क्या प्यार की बातें करते हैं। पहले जो दीप्ति एक को दूसरे में दिखाई पड़ती है, विवाह के बाद धीरे धीरे उसका लोप हो जाता है और रस इतना अधिक सूख जाता है कि दंपति यह भी नहीं जानते कि वे बातें करें भी तो किस संदर्भ की।
कोई कोई पति तब भी ढूंढ ढांढ कर कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं, किंतु उन बातों की निरसता और अस्वाभाविकता पत्नी से छिपी नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? बात असल में यह है कि प्रेम के तूफान में पड़कर पुरुष कुछ दिनों के लिए चाहे कितनी भी भावुकता दिखा ले, किंतु भावुकता का स्थान उसके जीवन में अपेक्षाकृत कम है। उसके चारों ओर कर्म का आह्वान गूंजता है और इस आह्वान को अनसुना करके कोई भी पुरुष सुखी नहीं हो सकता। बड़े बड़े प्रेमियों का कहना है कि प्रेम से बढ़कर आनंद और किसी वस्तु में नहीं, किंतु इस आनंद का मूल्य अपरिमित समय नष्ट करके चुकाना पड़ता है, जो पुरुष की दृष्टि में बहुत बड़ा बलिदान है। पुरुष के लिए समय का अर्थ है कीर्ति, संपत्ति, आनंद, वैभव और बीसियों प्रकार की अन्य सफलताएं। किंतु नारी का समय काटे नहीं कटता, वह प्रसन्नता तब मानती है जब समय काटने का कोई जरिया उसके हाथ आ जाए। पुरुष नहीं चाहता कि कामानंद के लिए भी जरूरत से अधिक समय नष्ट किया जाए, किंतु नारी पुरुष के इस काल कार्पण्य को उसके स्वभाव की अनुदारता समझती है। प्रेम से उद्वेलित नारी उस नदी के समान होती है जिसकी धारा उमड़कर किनारों से ऊपर बहना चाहती हो, किंतु पुरुष उस बाढ़ को पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि इस बाढ़ को कबूल करने की अपेक्षा यही कहीं श्रेष्ठ है कि नदी के किनारे से ही भाग चला जाए। प्रेमाकुल पत्नियां पत्नियों का अत्यधिक समय तो चाहती ही हैं, वे इस बात को भी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वे तो जगी रहें और पति को नींद आ जाए। प्रेम का स्वाद पुरुष को भी उतना ही सुख देता है जितना नारी को। भेद केवल यह है कि प्रेम को जगाकर पुरुष उसके तूफानों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन में और भी काम है जिनके रुकने से गृहस्थ का शकट अवरुद्ध होता है, विश्व की कर्मधारा मंद पड़ जाती है। इसीलिए नारी पुरुष के जीवन के अनेक उपकरणों में से मात्र एक उपकरण का स्थान लेती है, उसकी अनंत प्रेरणाओं में से केवल एक प्रेरणा का प्रतिरूप होती है। किंतु पुरुष नारी जीवन का सबसे प्रमुख केंद्र, कदाचित उसका एकमात्र आधार है। नारी का लालन पालन माता पिता इस भाव से करते हैं मानो अपना बोझ उसे आप नहीं उठाना, मानो उसकी सारी सार्थकता लता बनकर वृक्ष को छा लेने में है। किंतु विवाह के बाद जब वृक्ष ऊंघने लगता है तब लता को विफलता बोध की पीड़ा महसूस होती है और उसका मन खिन्न होने लगता है। बड़ी से बड़ी नारी भी बुद्धि से कम, भावना से अधिक परिचालित होती है। वह सोचती है कम, सपने अधिक देखना चाहती है और सपने उससे कहते हैं, नारी तेरी सार्थकता पुरुष को लेकर है, तेरी सारी जिंदगी इंतजारी में कटेगी और हर बात के लिए तुझे पुरुष का मुंह जोना पड़ेगा। और मुंह जोना केवल रोटी और कपड़े के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जानने के लिए भी है कि तू सुंदर है या नहीं, कि तेरा बनाओ श्रृंगार पसंद किया जाता है या नहीं, कि तेरे प्रेम का आग्रह व्यर्थ है अथवा उसे कोई स्वीकार भी करता है। नारी सचमुच ही प्रतीक्षा की साकार प्रतिमा होती है। कर्म संकुल संसार में पुरुष दिन भर बाहर काम करता है, नारी घर में बैठकर उसकी राह देखती है। प्रेम के संसार में जिस साहस और बलिदान का परिचय प्रेमिका देती है, वह साहस और बलिदान पुरुष बहुत कम दिखा पाता है। फिर भी मिलना कब होगा उसका निर्णय प्रेमिका नहीं प्रेमी की सुविधा से होता है। पुरुष तब आएगा जब कामों से उसे तनिक छुट्टी मिलेगी। प्रतीक्षा यहाँ भी नारी का पीछा नहीं छोड़ती और प्रतीक्षा में रत होने के कारण स्वप्न कुछ और अधिक चंचल हो जाते हैं, भावुकता चिंतन पर कुछ और अधिक छा जाती है। और सबसे बड़ी लाचारी तो यह है कि काम कक्ष में भी इच्छा पुरुष के ही प्रधान होती है, नारी केवल उसकी राह देख सकती है। और नर की इच्छा यदि आंदोलित रह गई तो नारी उस सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकती जिसका प्रतीक होने के कारण वह कामिनी कहलाती है। इन सारी परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि नारी के भीतर एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। वह अपनी हार को जीत में बदलने का उपाय सोचने लगती है और प्रत्येक क्षण ऐसे अवसरों की खोज में रहने लगती है
जब वे पुरुष से प्रतिशोध ले सके, उसे नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व की महिमा बता सके। पुरुष समझता है कि शाम को वह थका मांदा बाहर से घर लौटता है, किंतु दिन भर की प्रतीक्षा से थकी एवं नाना दिवस स्वप्नों से पीड़ित पत्नी उसे सुख देने के बदले अनक और तानों से बेधने लगती है। नारी समझती है कि पुरुष उसके पूरे वश में तब होता है जब वह भोजन कर रहा हो अथवा रात में वह प्रेम की मनोदशा में हो, और इन्हीं अवसरों का लाभ उठाकर पत्नी अप्रिय कथाएं सुनाने लगती है। पुरुष को ये महसूस कराने लगती है कि उसके मित्र झूठे हैं, उसकी मान्यताएं गलत है, और जिन मूल्यों में वह विश्वास करता है वे फिजूल हैं, और इन कटुक्तियों को भी पुरुष यदि सह गया तो पत्नी उसे आकारण मुंह फुला लेती है। मुंह फुलाकर पत्नी चाहती है कि पति उसकी खुशामत करे, लेकिन अगर पति की सहन शक्ति समाप्त हो गई और पत्नी की उसने उपेक्षा कर दी, तब पत्नी कराल नागिन बन जाती है और वह पति पर ऐसे लांछन लगाने लगती है जो निराधार है, और पति जिनका जवाब नहीं दे सकता। कम ही पत्नियां ऐसी होंगी जो विवाह की आरंभिक वर्षों के बाद पति के प्रति कुछ पुरुष ना हो जाती हों। अकारण रूठना, अकारण रो पड़ना, अकारण गुस्से में ठुमक कर इधर से उधर चल पड़ना, पति को मानसिक पीड़ा देने के लिए बच्चों को पीटना अथवा नौकरों पर बरस पड़ना, और बात बात में ये दिखाने की कोशिश करना कि खान पान, वसन प्रसाधन और जीवन के विभिन्न आनंदों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये ऐसे कर्म हैं जिनके संपादन में अनेक पत्नियों को रस आता है। पति को नीचा दिखाने के कितने ही उपाय और भी हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो पत्नी धर्म के स्वाभाविक अंगों के समान आपसे आप उत्पन्न होते हैं। पति जब सिनेमा चलने को तैयार हो तब पत्नी काफी विलंब किए बिना घर से बाहर नहीं निकलती। पति अपने कक्ष में बैठा पत्नी का इंतजार कर रहा हो तब पत्नी को अधिक से अधिक विलंब करने में अधिक से अधिक आनंद आता है, और पति जब इस स्थिति में गिरफ्तार हो कि पत्नी की राय लिए बिना वे अगला कदम नहीं उठा सकता, तब पत्नी अक्सर राय देने से मुकर जाती है। ये इसलिए नहीं कि देवी के मन में कहने योग्य कोई बात नहीं है, बल्कि इसलिए कि जैसे पुरुष बात बात में नारी को इंतजारी में रखता है, वैसे ही अब पत्नी भी उसे इंतजारी का मजा चखाना चाहती है। पत्नी जब भी विलंब से आती है तब ये संयोग की बात नहीं होती, बल्कि जानबूझकर किया गया प्रतिशोध कार्य होता है, और इन छोटे मोटे अत्याचारों से पुरुष यदि विचलित नहीं हुआ तो पत्नी नपुंसक विद्रोह को आंसुओं में व्यक्त करती है, रो चीख कर पुरुष का धैर्य नष्ट करना चाहती है, और बीसियों ऐसे अन्य काम कर डालती है जिनसे पति का मन खिन, पीड़ित अथवा शुभ्ध हो उठे। काम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बहुत सी पत्नियां विवाह बाह्य गुप्त संबंधों की ओर इसलिए नहीं झुकती कि घर में वे असंतुष्ट रही हैं अथवा वे विद्या का लोभ उन्हें नीचे खींचता है, बल्कि इसलिए कि वे अपने पतियों से प्रतिशोध लेना चाहती हैं। चोरी चोरी उनकी इच्छा की अवहेलना करके वे अपने अहंकार को दुलारना चाहती हैं। इस प्रकार की कुंठाओं की स्वाभाविक परिणति आत्मघात में हो सकती है, किंतु सफल आत्मघात करने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक, नारियों की हमेशा कुछ कम रही है। आत्मघात से मिलने वाली वस्तु नारियों को आत्मघात के अभिनय से ही प्राप्त हो जाती है। मरने का नाटक वे अनेक प्रकार से करती हैं, लेकिन हर बार उनका मनोभाव यही रहता है कि जीवन का संग कहीं छूट ना जाए। जिस पुरुष के विरुद्ध वे मरने का स्वांग रचती है, असल में उनका ध्येय उसे मुट्ठी में समेट कर जीना होता है। चाहे पत्नी हो या प्रेमिका, प्राय हर औरत की ख्वाहिश यही होती है कि पति या प्रेमी को आंचल की खूंट में बांधकर वे उसे अपनी पीठ पर फेंक दे, जैसे वे चाबियों के गुच्छे को पीठ पर फेंक देती है। पुरुषों की अपेक्षा नारियां कुछ अधिक वायव्य भी होती हैं, और उसी परिणाम में कुछ अधिक स्वार्थी और मिट्टी के कुछ अधिक समीप भी। छोटी छोटी ऐसी कितनी ही बातें जीवन में घटती रहती हैं, पुरुष जिनकी ओर कभी ध्यान नहीं देता, किंतु नारियां इन्हीं बातों को लेकर काफी आंदोलित हो उठती हैं।
वैसे त्याग के मामले में भी नारी नर से श्रेष्ठ है। पुरुष और नारी की स्वभावगत एक भिन्नता यह भी है कि पुरुष जिस व्यक्ति से घृणा करेगा उससे वह दूर भागना चाहेगा, किंतु नारी जिस व्यक्ति से घृणा करती है उसे वे पास रखकर और अधिक सताना चाहती है। विवाह विच्छेद का अधिकार अब भारत में भी कानून से उपलब्ध है। जब इस अधिकार का प्रयोग होने लगेगा, लोग देखेंगे कि अनेक पति विवाह तोड़कर भागना चाहेंगे, मगर पत्नियां उन्हें भागने नहीं देंगी, क्योंकि भारत में तलाक की कुंजी नारी के हाथ में है और नारी अपने शिकार को पिंजड़े से निकालना नहीं चाहती। जवाहरलाल जी की नारी भक्ति ने भारत में पुरुषों का सर्वनाश कर दिया है, और तब भी यह सच है कि ये बुराइयां नारी स्वभाव का कोई मौलिक अंग नहीं है। वे विशेष प्रकार की ग्रंथि अथवा हार्मोन से नहीं, समाज की उस पद्धति से उत्पन्न होती है जो हजारों सालों से एक समान चलती आ रही है। वे लालन पालन की उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसका उद्देश्य बेटी को मानत्व नहीं नारीत्व से पूर्ण बनाना है, और जिसे हम नारीत्व कहते हैं वह ब्रह्मा की रचना नहीं सभ्यता का आविष्कार है। जिस मनुष्य को आरंभ से ही इस भाव से तैयार किया गया हो कि अपना बोझ उसे आप नहीं उठाना है, संकटों के व्यू में घुसकर अपनी राह उसे आप नहीं निकालनी है, और जीवन में प्रयोग उसे बुद्धि और कर्मठता का नहीं रूप आकर्षण आंसू और विलाप का करना है, उसे बुद्धि और विवेक की आशा ही दुराशा मात्र है। नारी के आंतरिक व्यक्तित्व की नींव नपुंसक विद्रोह पर होती है, इसीलिए जब मनोवांछित परिणाम उसे प्राप्त नहीं होते वह रोने लगती है, अपने शरीर और मन को पीड़ा पहुंचाने लगती है और अपने आप को नष्ट करने के प्रयास से पति के जीवन को नरक बना देती है। बहुत सी औरतें पति को चिढ़ाने के लिए एक गंदी साड़ी बड़ी सतर्कता से संभाल कर रखती है। जब पति को चिढ़ाना हुआ वे तुरंत स्वच्छ साड़ी को बदलकर गंदी साड़ी पहन लेती है। पति की अवज्ञा का एक उपाय यह भी है कि पति अगर कोई वस्तु लाकर दे तो पत्नी उसे अनादर पूर्वक अस्वीकार कर दे। संसार के संघर्षों में भाग लेने का नारी को अवसर नहीं मिलता, अतएव शुभ्ध होने पर वे जीवन के प्रति पराजय की भावना को स्वीकार कर लेती है। आंसू पत्नियों के सबसे बड़े अस्त्र हैं और शादत का अभिनय उनका सबसे बड़ा संतोष, और सिसकियां सुनकर पति को जब क्रोध आता हो तब पत्नियों को रोने का मानो एक प्रबल कारण और मिल जाता है। पुरुष के संबंध में नारी के मनोभाव बहुत सुस्पष्ट नहीं होते। बचपन से ही वह देखती है कि लड़कों को जितनी स्वाधीनता दी जाती है उतनी स्वाधीनता उसे नहीं दी जाती। खेलकूद और शारीरिक विकास के जो क्षेत्र लड़कों को उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में लड़कियों का प्रवेश निषेध माना जाता है। शारीरिक विकास के स्त्री चिन्ह भी उसे लज्जित करते हैं, और ऋतु धर्म का परिणाम यह होता है कि अपने को पुरुष से वह हीन समझने लगती है। समाज का अभी जो ढांचा है उसमें पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत प्रमुख है। पिता के सादृश्य से लड़की पुरुष मात्र में त्राता और संरक्षक की झलक देखती है। फिर प्रेम के प्रसंग में आकर वे अपने प्रेमी को देवता समझने लगती है, किंतु शीघ्र ही उसे यह विदित हो जाता है कि यह देवता देवता नहीं कोई जघन्य जीव है जिसके अनेक कृत्य लज्जा और ग्लानी उत्पन्न करते हैं। नारी नर को अपने से श्रेष्ठ समझती है और वे उससे अंतर मन में कहीं कुछ द्वेष भी पाला करती है। नर पर नारी की श्रद्धा का कारण यह है कि सारा संसार पुरुष के शासन में चलता है, और दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं उनका विधायक पुरुष होता है, और उसके द्वेष का कारण यह है कि वे पुरुष की समता नहीं कर सकती। नारी नर की समानता अनेक क्षेत्रों में कर सकती है, किंतु शैया में पहुंचकर वे क्या करे, गर्भधारण की तपश्चर्या से वे त्राण कैसे खोजे। फ्रायड ने जो सत्य कह दिया उसका खंडन कैसे किया जाए। एनाटॉमी इज डेस्टिनी, इसे नारी झुटला कैसे सकती है। एक खास उम्र तक लड़की और लड़के को समान स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, किंतु उसके बाद माँ बाप और सारा समाज लड़की के मन पर यह भाव बिठाने लगता है कि तू मनुष्य नहीं नारी है,
लड़के के लिए तो सभी रास्ते खुले होते हैं जिन पर चलकर वे पुरुष और मनुष्य साथ साथ बनता है, किंतु लड़की के सामने केवल नारीत्व साधना का मार्ग रह जाता है और उस राह पर चलकर वे अनंततः मनुष्य कम मादा अधिक बन जाती है। विवाह की बड़ाई लोग यह कहकर कहते हैं कि वे दो सम मानवों के मिलन का नाम है, किंतु अनुभव यह बतलाता है कि विवाह दो मनुष्य का मिलन नहीं, एक नर और एक मादा का मेल है। विवाह के घेरे का जो महत्व मादा समझती है, वही महत्व नर नहीं समझ पाता। पुरुष विवाह अब इसीलिए करता है कि अस्थिरता से भरे हुए संसार में उसे स्थिरता का कोई आधार चाहिए, किंतु खुद इस आधार से वे बंधना नहीं चाहता। चूल्हे चौके और शयन कक्ष का निश्चित प्रबंध उसे आश्वस्त बनाता है, किंतु इस प्रबंध से वे मनचाही छूट भी चाहता है। एक जगह बस जाने पर भी भ्रमण की प्रवृत्ति उसे भीतर से आंदोलित रखती है। घर का महत्व मर्द भी खूब समझता है, किंतु घर उसकी आखिरी मंजिल नहीं। पुरुष में नवीनता की प्यास होती है, खतरों और विरोधों से टकराने की इच्छा होती है, और इन तृष्णाओं के शमन के उपाय घर में उपलब्ध नहीं होते। एकांत उसके मन में ऊब उप जाता है और एक ही प्रकार का बंधा जीवन उसे बोर कर देता है। किंतु नारी ऐसे संसार में रहना चाहती है जो अविचल हो और सातत्य से पूर्ण हो। यह संसार छोटे पैमाने पर उसे अपने ही घर में बसाना पड़ता है, किंतु मर्द और बच्चे जब इस दुनिया के अनुशासन को नहीं मानते, तब नारी के भीतर कुंठा उत्पन्न होती है, कठोरता और दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। विभिन्न कामों में निरत रहने के कारण, अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में खोए रहने के कारण, ठोस बातों और ठोस चीजों का अभ्यासी होने के कारण पुरुष यह समझ ही नहीं पाता कि पत्नी के आंसू उसकी कुड़न और बदमिजाजी का इलाज क्या है। और चूंकि मर्द इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए औरत और रोती है और कुड़ती है और अधिक विषैली और बदमिजाज हो जाती है। और ये लीला दो चार या 10-20 वर्षों में समाप्त नहीं होती, यह सारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। विवाह सुनने में बड़ा ही प्यारा नाम है, मगर उसकी तलखियां जब उभर कर ऊपर आती हैं, विवाह से अधिक कुत्सित कोई और कर्म नहीं दिखता। फिर भी पुरुष का स्थान कुछ अधिक सुरक्षित है। विवाह उसके व्यक्तित्व को केवल हानि पहुंचाता है, किंतु उसे नारी का तो सारा जीवन ही उलझकर व्यथाओं का जाल बन जाता है। पत्नी चीखती है, हाय तुम्हारी वेदी पर मैंने सारा सर्वस्व चढ़ा दिया और तुम इस बलिदान को समझ भी नहीं पाए। और पुरुष मन ही मन पछताता है, इस नारी ने तो मुझे चारों ओर से लूट लिया। और इसी चीख पुकार के साथ दंपत्ति जीवन समुद्र में उबते डूबते रहते हैं। सोचने की बात है कि ये तलखियां आती कहां से हैं? नर और नारी में से कौन है जो उनके लिए अधिक जिम्मेदार है? यह प्रश्न शायद बहुत उपयोगी नहीं है। यहाँ एक को दोषी बताना तो आसान है, दूसरे को क्षमा करना उतना आसान नहीं। आमने सामने खड़े ये दुश्मन विचित्र प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं। वे परस्पर निर्मम प्रहार ही नहीं करते, एक दूसरे को सुख भी पहुंचाते हैं और सुखों के आदान प्रदान के भीतर भी प्रतिशोध और शत्रुता का कर्म अवरुद्ध नहीं होता। पति से प्रतिशोध लेने का तरीका यह भी है कि पत्नी पति की शैया पर जाकर जड़ता का नाट्य करने लगे। विवाह का सतही इलाज कोई नहीं है। विवाही कटुताओं का मूल इस बात में है कि नर उपजीव्य और नारी परोपजीवी है। पत्नी के बिना पति का काम चल जाता है, किंतु पति के बिना पत्नी निसहाय हो जाती है। नारी की आवश्यकता पुरुष इसलिए अनुभव करता है कि वे गृहस्थी वंश वृद्धि और आमोद चाहता है, किंतु नारी नर की कामना इसलिए करती है कि उसके बिना नारी की मानवीय प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती। समाज में उसे स्थायित्व और गौरव प्राप्त नहीं होता। नर के लिए नारी आनंद है, सुषमा है, शोभा और श्रृंगार है, किंतु नारी के लिए नर इससे कहीं अधिक ठोस वास्तविकता का प्रतीक है। वे उससे भोजन वस्त्र और आवास पाती है, जीवन के विविध आनंद संतति और सम्मान प्राप्त करती है,
और ये सारी वस्तुएं उसे इसीलिए मिलती है कि उसका कामनी रूप नर को पसंद है। नारी का ये कामनी रूप साथ साथ शाप भी है और वरदान भी। वरदान वे इसलिए है कि नारी का यही रूप पुरुष को नारी के चरणों पर झुकाता है, और शाप वे इस कारण है कि जब तक नारी अपने कामनी रूप को आगे करके रोटी और सम्मान पाती है, तब तक उसे वे आत्मगौरव नहीं मिलेगा जिसकी वे भूखी है, तब तक उसे वे स्वाधीनता भी नहीं मिलेगी जिसके लिए नारियां बड़े बड़े आंदोलन चला रही है। किंतु नारी स्वाधीनता के आंदोलनों से नारियों को प्राप्त क्या हुआ? पत्नियां जब मर्दानी औरतें बनकर स्वाधीनता की ओर बढ़ी, उनके पति उनके सामने से भाग गए। वे या तो समलैंगिक बन गए या उन औरतों के पास जाने लगे जिनके साथ उनकी मर्दानगी कायम रहती थी। अब स्वाधीन नारियां घबराकर सोचने लगी हैं कि उनकी तथाकथित पराधीनता में ही कोई स्वाद था जिसे स्वतंत्र होकर उन्होंने गवा दिया है। स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ आर्थिक स्वाधीनता ही होती है। जब तक कामनी रूप को तटस्थ रखकर नारियां अपनी जीविका कमाने के योग्य नहीं हो जाती, वे पराधीन ही रहेंगी और स्वतंत्र होकर वे उस अद्भुत स्वाद को अवश्य खो देंगी जो उन्हें पराधीनता में सुलभ है। किंतु रोजी कमाने के कर्म में नारियां क्या अपने कामनी रूप को तटस्थ रख सकती हैं? संभव है आगे चलकर यह गुण भी उनमें विकसित हो जाए, किंतु अब तक जो कुछ देखने में आया है उससे आशा को बल नहीं मिलता। दफ्तरों में काम करने वाली देवियां अक्सर तरक्की पाने या अपने अधिकार बढ़ाने की लालसा में यथेष्ट बौद्धिक क्षमता के होते हुए भी शारीरिक आकर्षण का प्रयोग करने से नहीं चूकती, और कला की जो पुजारिनें मंच पर आती हैं उन्हें भी कला से उपलब्ध कीर्ति से संतोष नहीं होता। वे किसी अन्य सिद्धि के लोभ में अपना विज्ञापन करने लगती हैं। प्रेम की छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की लीला के लिए केवल नारी को दोषी मानना बिल्कुल हास्यपद बात है, किंतु नारी के सामने सवाल उसकी आज़ादी का है, और यह आज़ादी अभी उसे पुरुष के विरुद्ध ही हासिल करनी है। किंतु जिसके विरुद्ध ये संग्राम है, नारी उसी पर आसक्त हो जाती है। प्रकृति की यही इच्छा है, नियति का यही विधान है। जीवन संकट को आगे ले चलने का कार्य नर और नारी दोनों को करना है, किंतु प्रकृति ने उनकी रचना केवल संघर्ष के लिए ही नहीं, एक दूसरे को प्यार करने के लिए भी की है। रक्त और मांस की पुकार नारी में नर से अधिक तीव्र नहीं होती, किंतु कर्मठता के कोलाहल से दूर रहने के कारण नारी इस प्रकार की मध्यम से मध्यम आवाज को भी अनायास सुन लेती है। समाज ने उसका विकास मानव रूप में कम, जीव के रूप में अधिक किया है, अतएव जैव प्रेरणाओं की अवज्ञा वे आसानी से नहीं कर सकती। तब भी ये उचित है कि नारियों की आर्थिक स्वतंत्रता जैसी भी हो संभव बनाई जाए। अभी जो स्थिति है वे काफी भयानक और कष्टपूर्ण है। कहने को हर पति अपनी पत्नी को रानी कहता है, किंतु आर्थिक प्राधीनता के कारण पत्नी मन ही मन खूब समझती है कि रानी उसका ऊपरी नाम है। असल में वे पुरुष की रानी नहीं, सेविका है, इच्छाओं की दासी और काम की गुलाम है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि पति और पत्नी के बीच संबंध वही होना चाहिए जो आत्मा और शरीर के बीच है, किंतु सच्चाई यह है कि आत्मा जब अलग होती है तब लाश दो नहीं एक ही रह जाती है। नारी को पराधीन बनाकर पुरुष ने अपने लिए संकट खड़ा कर लिया है। नारी को स्वतंत्रता देकर वे खुद स्वाधीन हो जाएगा, और नारी की स्वतंत्रता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक वे परोपजीवी है। वृक्ष के कंधों पर लटकती हुई वल्लरी है जो वृक्ष का रस चूसे बिना जीवित नहीं रह सकती। यह सत्य है कि नारी की परोपजीविता उन्मूलित हुई तो हजारों साल से आते हुए नैतिक मूल्य आपसे आप उन्मूलित हो जाएंगे। किंतु मुझे तो यह भी दिखाई देता है कि वर्तमान पद्धति के कायम रहने से एक दिन वह भी आने वाला है जब विवाह में वे ही लोग फंसेंगे जो आजीवन तपस्या करने अथवा पंचधुनि तापने को तैयार हों। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।
और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।